सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त कर करके देश में नाम रोशन किया है। उनकी मेहनत और उनका लगातार उस समय जो परिश्रम रहा होगा परीक्षा के दौरान, और जिस तरीके से नंबर प्राप्त हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। उनसे बहुत सारे बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, और जब कभी उन्हें सम्मान मिलता है, उन्हें तो सम्मान प्राप्त होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करके आगे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। इसे लगातार समाजवादी पार्टी और उन बच्चों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है अपने बोर्ड में, 11-11 बच्चे हर बोर्ड के बच्चों को लैपटॉप देने का काम चल रहा है, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई में मदद करेगा, लैपटॉप उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज के ज़माने में जहाँ इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी जानकारी पढ़ाई के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कहीं मिल सकता है और कहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वो इंटरनेट है। और एक आवश्यकता के अनुसार और एक आवश्यकता बन गई इंटरनेट और कंप्यूटर। इसलिए लैपटॉप योजना जो कभी समाजवादी सरकार में चली थी, और इस सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं बचा था जिसने लैपटॉप की बुराई न की हो, और लैपटॉप पे भेदभाव का आरोप भी लगाया है। इनके बड़े बड़े नेताओं के आज भाषण रिकॉर्डेड होंगे जिन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने भेदभाव किया था लैपटॉप बांटने में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उस समय भी मैं यही बात कहता था कि समाजवादी सरकार ने कहीं भेदभाव नहीं किया है बांटने में लैपटॉप। और आज भी हम बीजेपी की सरकार के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लैपटॉप बच्चों को देंगे, जो पढ़ाई में आगे जा रहे हैं 10वीं 12वीं उनको लैपटॉप देंगे, लेकिन लैपटॉप तो दिया नहीं उन्होंने। इसीलिए हम बांट करके बीजेपी को याद दिलाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने डेटा फ्री देने की भी बात कही थी, शायद डेटा फ्री अब देने लगेंगे। स्मार्ट सिटी बना नहीं, क्यूटो बना नहीं, नदियां साफ हुई नहीं, नौकरी मिली नहीं, किसानों का कर्ज माफ हुआ नहीं, गन्ने के किसानों का भुगतान होगा नहीं, और तब भी नहीं होगा जब पैकेज मिल गया उसके बाद भी नहीं होगा। और फिर अभी तो नई नई कहानियां सुनने को मिल रही है, भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी कहीं सुनने को नहीं मिली होगी। ये अलग बात है, जांच का विषय होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में लेना और देना दोनों पे धाराएं एक सी लगती हैं। ये तो बड़ी बात हो गई कि सबसे बड़े अधिकारी पे भी धारा लगेगी अगर बात सच निकली, और दूसरे पे भी लगेगी। तो सोचिए, किसी सरकार के अधिकारियों पे इस तरह का आरोप लगना, ये बहुत ही शर्मनाक है। और केवल यही नहीं हो रहा ऐसा, अगर प्रदेश की जानकारी करेंगे आप, जहाँ कहीं भी जो गांव में जाकर के सरकार के लोग पहुंचे हैं, सरकार के लोगों को सुनना पड़ा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो बाथरूम बनाने का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो मकान बनाने का भ्रष्टाचार हो, और चाहे अन्य योजनाओं में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। और फिर इन्होंने पोर्टल भी खोला था, मैं तो जानना चाहता हूँ कि उस पोर्टल पे आज तक शिकायत कितनी आई है। अगर शिकायतें पोर्टल पे नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब सरकार जानबूझ करके पोर्टल को बंद रखती होगी, जिससे भ्रष्टाचार की शिकायत होना पहुंच जाए। इसी तरह की योजना दिल्ली में भी एक बार चली थी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। हम समझते हैं लोगों ने वहां भी फोन नहीं किए थे भ्रष्टाचार के, ना कोई जानकारी मिली होगी सरकार को। इसलिए कभी कभी सरकार में भ्रष्टाचार छिपाती भी है, भ्रष्टाचार के आरोप से बदनाम भी करते हैं लोग, और भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार तो बना ली लेकिन भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाए। अब तो खुला खेल है, और जिसने शिकायत की अब बताइए वही जेल जा रहा है, कोई जांच नहीं होगी, बस जेल जा रहा है। देखिए, बीजेपी के लोगों को मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि कम से कम आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण में भ्रष्टाचार न करें। कहीं आरक्षण में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? हम तो ये चाहते हैं, और पहले भी मैंने कहा, हम किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते, हम किसी के भी मन में किसी तरह की कोई निराशा नहीं लाना चाहते, हम किसी जाति धर्म को बांटना नहीं चाहते, हम वही चाहते हैं जो हमारा संविधान कहता है। और हम तो कहते हैं आरक्षण देने से पहले कम से कम गिनती तो कर लो, हमारे निषाद समाज के लोग कितने हैं, कश्यप समाज के लोग कितने हैं,
हमारे प्रजापति कितने हैं, विश्वकर्मा कितने हैं, यादव भाई कितने हैं, कुर्मी भाई कितने हैं, और सब लोग गिन तो लो। अरे जब गिनती नहीं होगी तो क्या दोगे आप आरक्षण? इसलिए कम से कम आज के जमाने में जहां आपने हर चीज को आधार से जोड़ दिया है, एक बार सबको गिन करके आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दे दो। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं सरकार में, स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया है सरकार ने, और एक जगह नहीं ऐसी घटना सुनने को मिल रही है, जो जानकारियां आ रही हैं पूरे प्रदेश से आ रही हैं। एक तो एम्बुलेंस नहीं है, लोग अपने कंधों पर, लोग अपने टांगों पर, लोग अपने इंतजाम कर करके रिक्शे पर, ट्रॉली पर ले जा रहे हैं अपने बीमार परिवार के सदस्यों को, और अस्पताल में अगर पहुंच जाए तो इलाज नहीं मिल रहा। अभी देखिए केजीयू में क्या हुआ, ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी बातचीत करते उन्हें भरोसा दिलाते। अगर सरकार भरोसा खो जाए तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और जो कानपुर में घटना हुई है वो एक दर्दनाक घटना है, और इसी तरह मैं कहना चाहता हूं सभी मेडिकल कॉलेजों को बर्बाद कर दिया है सरकार ने। सर केंद्र सरकार ने सब जेनरिक दवाएं लाई थी सर, जिसमें से 700 कैटेगरी की दवाएं थी, 250 दवाएं लगभग मिली, अब तो एकदम सर जिनको जिनको जो हॉस्पिटल था वो भी बंद पड़ा है, क्या कहेंगे सर? अब सरकार जो भरोसा दिला रही थी कि हम मेडिकल कॉलेजों को अच्छा चलाएंगे, सरकार को कम से कम ये फैसला गोरखपुर में जो घटना हुई थी उसके बाद लेना चाहिए था कि दवाई का इंतजाम कैसे हो, चाहे वो जेनरिक हो, चाहे किसी तरह की और सरकारी जो उपलब्ध कराई जाती दवाई, उसका प्रोक्योरमेंट कैसे हो। अगर समय पर प्रोक्योरमेंट नहीं सरकार करेगी तो आखिरकार दवा देगी क्या? और आप केवल नारे के हिसाब से कि हम जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसके प्रोक्योरमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम कुछ किया नहीं आपने। और आपको सबक सीखना चाहिए था गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, ये नहीं कह सकते हैं आप कि आप पुरानी सरकार की व्यवस्था खराब थी। आपको दो बजट उत्तर प्रदेश के मिले हैं और आपको कम से कम दो तीन बजट केंद्र के भी मिल गए हैं, तो कम से कम आप बताइए कि आपने इन बजटों के माध्यम से क्या जनता को सुविधा दी है? ये जनता को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे। देखिए रिश्वत लेने में और देने में जो लोग हैं धाराएं एक सी लगती हैं। कम से कम जिसने शिकायत की है उसे इतनी जल्दी जेल भेजा जा रहा है, कम से कम इसकी जांच हो जाती कि रुपया लेन देन हुआ है। और देखिए धारा ये समझ लीजिए, लेने वाला और देने वाला दोनों पे धाराएं लगती हैं। कभी एक कवि ने कहा था कि अगर रिश्वत में पकड़े जाओ तो रिश्वत देके छूट जाओ, कहीं ऐसा तो ना हो इस सरकार में कि रिश्वत में जो लोग पकड़े हों गए हों वो रिश्वत देके ना छूट जाएं। अब ये मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात पहुंची है तो ये बड़ी बात होगी, हम समझते हैं और सीरियस इस पे काम करेंगे। अगर किसी ने शिकायत की है तो कम से कम उससे भी बड़ा कोई स्तर हो, उससे जांच होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि जांच ऐसे किसी अधिकारी को देनी चाहिए और फिर अधिकारी की जांच करेगा। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनके विधायक लोग भी बड़े पैमाने पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। कुछ ऐसे सवाल आने चाहिए, कुछ ऐसी घटनाएं हो जिनकी शिकायत करें, और फिर पोर्टल ही बंद इनका भ्रष्टाचार वाला। आप याद कीजिए कुछ दिन पहले पोर्टल खोला गया था और सरकार ने कहा कि कहीं अगर भ्रष्टाचार की जानकारी होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय पे ही उंगली उठ गई। अखिलेश जी, राज्यपाल ने 30 तारीख को पत्र लिखा था, 2 महीने होने को हैं, अभी तक कोई जांच नहीं हुई, जब ये वायरल हुआ है तब सीएम योगी ने जांच के आरोप लगाए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं उसमें कि कम से कम आवाज को आपने बहुत चिल्लाने के बाद कुछ आंख कान ना खुले हैं सरकार के, हमें लगता है कार्रवाई होगी उस पे। हाँ बिल्कुल, अगर क्योंकि ये मामला बड़ा है और जब पोर्टल बंद हो भ्रष्टाचार का और मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात हो, देखिए डेमोक्रेसी में और सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय से बड़ी कोई कार्यालय नहीं होता है, उससे ऊपर कौन जांच कर सकता है? सर एक लास्ट सवाल, ये आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय बड़ा होता है, चीफ सेक्रेटरी से भी ज्यादा बड़ा होता है। अब चीफ सेक्रेटरी से बड़ा तो कोई अधिकारी नहीं हो सकता, सीबीआई बिल्कुल सीबीआई होनी चाहिए, क्योंकि आप जिसने शिकायत की आप उसी को जेल भेज रहे हैं। अखिलेश जी, इसमें कम से कम जनता को सच्चाई तो पता लगे कि क्या है। अखिलेश जी, अब बीजेपी हम अपना करने जा रहे हैं जिसमें सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की वहां मूर्ति लगेगी, ये अच्छा है, इसका मतलब वो जान गए कि अगली सरकार उनके बनने वाली नहीं है। अखिलेश जी, रात एक चौपाल पहले कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब रात को वहां पर विश्राम नहीं करेगी, अब योगी आदित्यनाथ खुद निकल गए चौपाल करने।
रात में तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिजली का सवाल पूछोगे तो पूरे गांव वाले कहते हैं बिजली आती नहीं है, तो दिन में जाना चाहिए। इसलिए सरकार की थोड़ी बहुत जो कमियां होंगी वो अंधेरे में तो छिपी जाती हैं, लेकिन दिन में तो और आसान होगा छिपाना, क्योंकि दिन में तो बिजली की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी मेडिकल व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का इसलिए धन्यवाद देता हूं, कई बार जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिसमें कभी कोई कंधे पे अपने परिवार के लोगों को ले जा रहा है, कोई तांगे में परिवार को सदस्यों को इलाज कराने ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में ले जा रहा है, ये जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी जिससे गरीब को सुविधा थी, और फिर अस्पताल अगर पहुंच जाए, अस्पताल में कम से कम इलाज हो जाता था। मैं जानता हूं लोहिया इंस्टीट्यूट में कभी भी दवाई की कमी नहीं हुई होगी, 5 साल इलाज की कमी नहीं हुई, और ये सरकार देखो न दवाइयां दे पा रही है, न इलाज करा पा रही है, मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, न आपका MRI हो रही, न सीटी स्कैन हो रही, न आपके अल्ट्रासाउंड हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और जाएंगे आप मंत्री जी से तो मंत्री जी बहुत ज्ञान दे देंगे, ये सब लगे हुए हैं कि जो हमारे बंगले खाली हो गए हैं किसको मिल जाए, ये उसमें लगे हुए हैं, मेडिकल अस्पताल तो देख ही नहीं रहे हैं, ये इस ध्यान में लगे हैं कि जो ये बड़ी बड़ी कोठियां खाली हुई हैं इन बड़ी कोठियों में कौन पहुंच जाए। ये सभी मंत्री लोग इसी में व्यस्त हैं। सर लोकसभा चुनाव सहयोगी दलों को मनाने में लगे हैं, एक एक करके मिल रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पे? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जनता निराश है, नाराज है, दुखी है जनता, और लोकतंत्र में मैंने एक ही बात मानी है, जो जनता को दुख देती है सरकार, समय आने पर जनता उनका हिसाब किताब करती है। राजभर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार, मैं उन कैबिनेट मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, कम से कम वो बोलते तो हैं सरकार के खिलाफ, उन्हें बधाई देता हूं। सर, RSS को कल, लेकिन उनके पास कई फार्मूले हैं, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ। RSS के कल कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी पहुंचे थे, और सर राष्ट्रपति ने RSS को पाठशाला में पाठ पढ़ाया है। इस देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हमारा समाज हर एक को स्वीकार करता है, और इतिहास के पन्नों में क्या कमी रही, क्या रहा, कैसे कौन आए सब जानते हैं। जरूरत यह है कि जिस विचारधारा ने समाज में जहर घोला है, जातियों के बीच नफरत फैलाई है, धर्म के प्रति बांटा है, ऐसी ताकतों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए किसी भी स्तर पर। सरकार 725 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना रही, वहाँ जो रेट है वो 17 है और यहाँ करीब 12-11 के आसपास था, तो कोई और कारण किसी अपने करीबी को टेंडर देने के? देखो ये तो अभी जैसे आप लोग निकाल के लाए चिट्ठी गवर्नर साहब की, अभी इसमें भी निकाल के लाओगे तब हमसे पूछना, अभी तो हमें ही नहीं पता कुछ। लेकिन यह है कि सरकार की नियत और मंशा नहीं है कि पूर्वांचल के लोग भी खुशहाली के रास्ते पे जाएं, और मैंने हमेशा कहा, मैं फिर कहता हूं कि एक्सप्रेस वे ही जरूरत है। सोच लीजिए समाजवादी सरकार होती तो झांसी से सिद्धार्थनगर वाला एक्सप्रेस वे बन जाता। अभी हाल ही में मैंने कहा कि कन्नौज से मुजफ्फरनगर और शामली के इलाके में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए सीधा कानपुर से कोई एक्सप्रेस वे होना चाहिए, और सरकार बनेगी तो बनाएंगे। ये बन जाता गाजीपुर तक तो किसी को असुविधा नहीं होती, लखनऊ आने में 3.5 घंटे में आ जाता। हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के किसी कोने से कोई आना चाहे लखनऊ तो उसे 4 घंटे से ज्यादा न लगे। भ्रष्टाचार पे आप बहस इसलिए मत करिए, ये भ्रष्टाचार पे बहस इसलिए मत करिए, सरकार भ्रष्टाचार का सवाल उठा करके दूसरों को अपमानित कर रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो नोटबंदी में हुआ, सबने देखा समझा। हम तो गरीबों को समझाते रहे कि लेन देन भ्रष्टाचार होता है, नोट काला सफेद नहीं होता, किसने सुनी हमारी? पूरा चुनाव हार गए हम नोटबंदी से और भ्रष्टाचार के मामले से। ये चुनाव मुद्दों का है, रोजगार मिले कि नहीं मिले, किसान का कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ, आपकी बैंकिंग सिस्टम का क्या हाल है, डिफेंस का क्या हाल है, नौकरियां भर्ती में हो पाई कि नहीं हो पाई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, GST समझ में नहीं आ रहा है, भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा, ये मुद्दों का चुनाव होगा। सर, इन्फ्लेटिस रोकने के लिए सरकार ने, मुख्यमंत्री ही उसी इलाके से जहां इन्फ्लेटिस सबसे ज्यादा होती है, और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं गर्भवती महिलाओं के मरने के और कम उम्र के बच्चों की जान जाने के, आपका उत्तर प्रदेश नीचे चला गया,
न्यूट्रिशन मिशन के लिए प्रचार तो अच्छा करा रहे हो, लेकिन न्यूट्रिशन मिशन के लिए जमीन पर माँ का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, माँ का पढ़ाई लिखाई और बच्चे के प्रति स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, उसके कुछ कर ही नहीं रहे। सरकार ने कल जो डीएम को निलंबित कर दिया, तो अरे इस जिले में तो कोई खनन ही नहीं होती, जिस जिले की वहाँ पे पार्टी के सांसद का नाम आ रहा है कि उनके कारण निलंबित किया गया। देखिए उस राजनीति में मैं उस राजनीति हाँ ये सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, ये सही कह रहा है कि वो सांसद हमारी पार्टी में ही थे, लेकिन उन्हें सांसद को ये पता लग जाता है किस पार्टी से वो जीत सकते हैं, ये सही कह रहे हो आप तो अब उन्हें पता लग गया हो कि उस पार्टी में नहीं जीत सकते, अब वो दूसरी तरफ तलाश ढूंढेंगे। खैर वो बात अलग है, लेकिन जहां डीएम की सस्पेंड हुए हैं, ये डीएम तो निर्दोष रहे होंगे, निर्दोष डीएमओ को सस्पेंड कर दिया बताओ, और जहां असली खनन ओवरलोडिंग हो रही वहां के डीएम एकदम खुशहाल है, आप खुद सोचिए। यहाँ छापा मार के बोरा पकड़ा गया था 9000, वो भी सांसद की नीति। जहाँ कच्ची शराब आज भी बिक रही वो डीएम अच्छे हैं, बाहर से प्रदेशों से हम तो अखबारों में पढ़ते हैं कि कई पकड़ी गए ट्रक, कैसे हो सकता है बिना डीएम के ये हो जाए, सरकार में तो समाजवादी लोग भी तो रहे, अगर ऐसा तो कार्रवाई होती थी। सर मंत्री के निजी सचिव, जहाँ अब असली ओवरलोडिंग हो रही वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर मंत्री के निजी सचिव करप्शन की जांच में हटाया गया, क्या मंत्री की सहमति के बिना निजी सचिव कर पा रहे होंगे करप्शन? अब निजी सचिवों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने आपसे कहा मंत्री लोग अपने विभाग नहीं देख रहे हैं, मंत्री लोगों की कोशिश है कि जो कोठियां खाली हो गई ये कैसे उन्हें मिल जाएं। उनसे कहिए कि कोठियों की चिंता मत करिए, आप अपना काम विभाग का अच्छा करिए, घर वहां अच्छा होता है जहां आप खुद रहते हैं, हम तो जहां जाएंगे वो घर अच्छा हो जाएगा हमारा। लेकिन सर कई मंत्री कहे कि उसमें बाप रे बाप उसमें नहीं रहना है, बाप उसमें नहीं जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है कि हम तो एक ही साल रह पाए, इसलिए कोई जाए ना वहाँ पर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब।